अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टूटोरियल वीडियो सीरीज ऑफ डिजाइनिंग रिस्ट बाय सिंगल साइकिल को। सो इन द लास्ट वीडियो हमने जिस चीज़ को कवर किया था वो हमने देखा था हम किस तरह असेंबली को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके अंदर अभी हमने सिर्फ दो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस की हमने मशीन कोड बना के देखा था। उसमें एक तो आई टाइप थी जो इमीडिएट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और दूसरा हमारे पास एक आर टाइप इंस्ट्रक्शन थी जो रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शन आपके पास होती है। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बाकी के हमारी जो दो टाइप्स होती हैं उसके ऊपर आज हम थोड़ा अपनी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह उनके हम असेंबली लिखते हैं और उसकी किस तरह से मशीन कोड में कन्वर्जन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जिस इंस्ट्रक्शंस वगैरह की हम बात कर रहे होंगे वो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। एक तो हमारे पास है लोड लोड इंस्ट्रक्शंस, जिनके ऊपर आज हम थोड़ा तस्करा करेंगे कि बेसिकली वो किस तरह से वर्क करती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है स्टोर इंस्ट्रक्शंस, हाउ दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन वर्क्स। और उसके बाद तीसरा हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस की टाइप होगी वो आएगी ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो आज हम इन तीन टाइप्स के ऊपर देखेंगे कि इसकी हम किस तरह से असेंबली लिख सकते हैं और किस तरह से हम इसको कोड इसकी मशीन कोड हम डिजाइन करते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करता रहूँ कि ब्रांच की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपकी होती है वो आपकी सारी बिलोंग करती है टू बी टाइप इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इसको आप नाम से ही बता सकते हैं कि बी टाइप का मतलब है ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एस यानी कि स्टोर की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपकी सारी रिलाई करती है ऑन एस टाइप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी कि ये आपको नाम से ही पता चल जाता है कि भाई स्टोर इंस्ट्रक्शंस है, यकीनन एस टाइप की ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपके पास होंगी। उसके बाद एक हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन आती है लोड। अब ये बात करते हैं कि ये किस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में लाई करती है, तो ये बेसिकली आपके आई टाइप इंस्ट्रक्शन में ही फॉर्मेट पे लाई कर रही होती है, जो हमने बेसिकली कल अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने उसको देखा था कि किस तरह से वो आपकी आई टाइप इंस्ट्रक्शन की हम कोडिंग मशीन कोड हम बनाते हैं। तो पहले हम सबसे पहले इस लोड इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि लोड इंस्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है। ठीक है, लोड इंस्ट्रक्शन की मैं अगर बात करूँ तो आपको बजाय इस इंस्ट्रक्शन के नाम से ही पता चलता है कि यार मैं कोई ना कोई चीज़ क्या करवा रहा हूँ, लोड करवा रहा हूँ। ठीक है, लोड का मतलब ही यह है कि आप कोई चीज़ कहीं से अपने पास लोड करवा रहे होंगे। ठीक है, अगर हम प्रोसेसर्स की हम बात करें तो प्रोसेसर्स के अंदर हमारे पास दो मेमोरीज होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक हमारे पास एक होती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर फाइल। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली हम कल देख चुके हैं कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि हमारे पास रिस्ट फाइल के अंदर 32 बिट रजिस्टर फाइल होती है, जिसके अंदर हमारे पास 32 रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। और एक हमारे पास एक होती है जिसको हम बहुत सी बार हम कॉमनली वर्ड में वो कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेमोरी। ठीक है, मेमोरी आपकी कोई भी हो सकती है, यानी कि अगर अभी फॉर द सिंपलिसिटी हम बात करें तो हम इसको हम कह सकते हैं कि भाई हमारी जो एक्सटर्नल मेमोरी है या उसके हम बात पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है किसी भी ऑपरेंड्स के ऊपर या किसी भी डाटा के ऊपर, तो रजिस्टर फाइल जो है वो ऐसी मेरी टेम्पररी एक टाइप ऑफ टेम्पररी मेमोरी है कि जिसको मैं सब उसके अंदर डाटा सिर्फ तब सेव करवाता हूँ जब मुझे इसकी ज़रूरत होती है या उसके ऊपर मुझे कोई एक ऑपरेशन करवाना होता है। बजाय फिर उसके बाद जब उस ऑपरेंड्स का या उस पर्टिकुलर डेटा का काम जब खत्म हो जाता है तो फिर उसको मैं अपने रजिस्टर में सेव नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मुझे रजिस्टर फाइल बार बार यूज़ करनी पड़ती है दूसरे 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 इंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए भी। तो अगर मैं अपना डाटा वहीं पर रखूंगा तो मेरा डाटा करप्ट होने का या ओवरराइड होने का खतरा वहाँ पे अपने पास अवेलेबल होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं वो लिमिटेड रजिस्टर्स हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे सिर्फ 32 लोकेशन के रजिस्टर्स अवेलेबल है, सिर्फ 32 रजिस्टर्स अवेलेबल है, तो उसको मैं हर जगह उनको मैं अपने डाटा सेव करने के लिए यूज़ नहीं कर सकता। तो वो डाटा आपके पास किस में जाता है, वो आपका डाटा हम बाय डिफॉल्ट फिर दोबारा मेमोरी के अंदर सेव करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम दो कॉन्सेप्ट साथ देख लेते हैं कि लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लोड का मतलब क्या है कि आप अपने डेटा को यानी कि आपका जो भी डेटा जो मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है वो आप मेमोरी से लेके आप उसको लोड करवाते हो रजिस्टर फाइल। ठीक है, यू आर गेटिंग डेटा लोड इंस्ट्रक्शन। व्हाट डज द लोड इंस्ट्रक्शन डू कि वो आप अपने मेमोरी से डेटा को लोड करवाते हो अपने रजिस्टर फाइल के अंदर, ताकि आप जैसे अगर आपको वैल्यू 5 चाहिए और वो आपकी मेमोरी में पड़ी हुई है तो आप क्या करते हो कि लोड की इंस्ट्रक्शन आप चलाते हो ताकि आपकी वो मेमोरी की उस पर्टिकुलर लोकेशन से वो डाटा उठाए और वो आके आपके पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर सेव करवा दे। ठीक है, जैसे आपने बोला कि भाई यहाँ से इसकी 0 लोकेशन से डाटा उठाओ और मेरे S8 वाला जो रजिस्टर है उसके अंदर डाटा तुम क्या करते हो उसको सेव करवा दो, यानी कि लोड करवा दो, ताकि उस X8 को मैं आगे किसी एडिशन की इंस्ट्रक्शन के अंदर या जॉर की इंस्ट्रक्शन के अंदर किसी भी दूसरी इंस्ट्रक्शन के अंदर या ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के अंदर उसको मैं यूज कर सकूँ। ठीक है, तो मेमोरी से रजिस्टर में डेटा जो लाने की बात होती है उसको हम कहते हैं लोड।
कि आप मेमोरी से अपना डाटा लोड करवा रहे हैं रजिस्टर फाइल के अंदर। ठीक है, ये बात हमने की थी कि हमारे ALU से सबसे ज्यादा नजदीक जो मेमोरी होती है वो हमारी क्या होती है, रजिस्टर फाइल होती है। तो हमें जिस भी काम ऑपरेशन पे ऑपरेंड्स के ऊपर काम करवाना होता है ALU के जरिए, तो हम उसको क्या कहाँ पे रखते हैं, उसको रजिस्टर फाइल में रखते हैं। तो यकीन है रजिस्टर फाइल में वो डाटा कहीं से तो आएगा ना, वो कहाँ से आएगा? ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको जीरो से इनिशियलाइज करवाया हुआ है तो कहीं अपने आप ही आ जाएगा। तो वो डाटा आता कहाँ से है, वो मेमोरी से आता है। और मेमोरी से उस रजिस्टर में लाने के लिए मुझे कौन से इंस्ट्रक्शन को यूज करना पड़ता है, मैं लोड की इंस्ट्रक्शन को क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कोई एग्जाम्पल सीरीज चलानी थी, जैसे मैंने एग्जाम्पल कल भी पिछली वीडियोज में भी दी थी कि अब मैं एक सीरीज कैलकुलेशन कर रहा हूँ जिसमें मुझे वो 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर्स है उसका मुझे वो सबमिशन फॉर्म करके बता देगा कि भाई 1 से लेके 10 तक जब आप नंबर्स को आपस में ऐड करते हो तो उसका आंसर क्या होता है। तो ये सारा काम फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज मुझे कैलकुलेट करनी थी, वो मैंने कैलकुलेट कर दी, उसका अब आंसर यकीनन सपोज कर लेते हैं कि वो अभी X9 के रजिस्टर में पड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये अभी तो एक प्रोग्राम मैंने चलाया रहा, मेरे कंप्यूटर के अंदर या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में या एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें बैक एंड एक साथ चल रही होती है ना, बार बार चीज़ें चल रही होती है। आप कोई और विंडो खोलते हैं, कोई और प्रोग्राम चला रहे हो, तो पैरेलल में चीज़ें आप चला रहे होते हैं। तो अगर मैं इस डेटा को, इसकी जो ऑपरेशन का जो डेटा था या इस सीरीज की कैलकुलेशन का जो डेटा था, अगर मैं उसको रजिस्टर में ही रखा रहूंगा तो मेरा जब रजिस्टर ये दोबारा कोई और प्रोग्राम या कोई और इंस्ट्रक्शन को यूज करेगी तो मेरा डेटा क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा। तो मैं वैसा नहीं चाहता कि भाई मेरा ये डेटा जो है लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यकीनन इसका सीरीज को कैलकुलेट करो किया है तो इसका कहीं ना कहीं यूज दूसरे प्रोग्राम में यूज हो रहा होगा। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई इस रजिस्टर से डेटा दोबारा तुम स्टोर करवा दो। ठीक है, यहाँ पे वर्ड किसका यूज हो रहा है, स्टोर करना, कि आप रजिस्टर से डेटा स्टोर करवा दो मेमोरी के अंदर। ठीक है, देखें दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, लोड का मतलब क्या है कि आप मेमोरी से डेटा उठाते हैं और आप उसको रजिस्टर में लोड करवा देते हैं। स्टोर का मतलब क्या होगा कि आप रजिस्टर से डेटा उठाएंगे और उसको आप मेमोरी की पर्टिकुलर जो भी आपको लोकेशन देनी है आप उस लोकेशन के अंदर जाके उसको सेव करवा देंगे। ठीक है, मैंने बोला था कि भाई मुझे 0 लोकेशन में जो डेटा है उसको मैं लोड करवाऊंगा अपने X8 रजिस्टर के अंदर, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन हुआ उसका रिजल्ट जो हुआ X9 में आ गया। फिर मैंने क्या किया कि X9 का जो भी डेटा था उसके रजिस्टर के अंदर जो डेटा था उसको मैंने स्टोर करवा दिया मेरे मेमोरी की 1 लोकेशन के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ये जनरल कॉन्सेप्ट है आपका लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन का, कि आप मेमोरी से जब रजिस्टर में डाटा लाते हैं तो दैट बिकम्स लोड, और जब आप रजिस्टर से मेमोरी में डाटा भेजते हैं तो दैट बिकम अ स्टोर, राइट? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसी इसके असेंबली की, कि भाई लोड और स्टोर की असेंबली लिखी कैसे जाती है। तो अगर हम बात करें कि लोड वर्ड की, ठीक है, लोड की इंस्ट्रक्शन की एक कीवर्ड है लोड वर्ड, आप लोड वर्ड करवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप लोड जो करवाना चाह रहे हैं वो किस रजिस्टर में लोड करवाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट विल बी योर डेस्टिनेशन, कि आप किस रजिस्टर के डेस्टिनेशन में सेव करवाना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार X8 था, X8 के अंदर मुझे डेटा क्या करना है, लोड करवाना है। अच्छा ठीक है, यह बात हमने कर दी कि भाई मुझे लोड करवाना है किसमें, X8 के अंदर। अब सवाल आता है कि कहाँ से लोड करवाना है, क्योंकि यकीनन इस मेमोरी की कोई ना कोई एक लोकेशन होगी। ठीक है, उस लोकेशन का मतलब ये होता है कि इसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा, तो मुझे वो एक एड्रेस इसको बताना जरूरी है कि भाई किस एड्रेस से मुझे डेटा को अपने X8 के अंदर लोड करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक देना पड़ता है ऑफसेट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप हर बार एक ऑफसेट दे रहे हो, इट कैन बी समटाइम 0 और समटाइम इट कैन बी एनी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम उसको यहाँ पे देते हैं कि भाई मेमोरी का बेस एड्रेस। देखें मेमोरी की बेस एड्रेस की मतलब क्या है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेमोरी है, ठीक है, अब इस मेमोरी के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारी लोकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब इस मेमोरी की ये जो एड्रेस होगा, ये इसको मैं कहूंगा कि ये बेस एड्रेस है, कि भाई मेमोरी जो है मेरी यहाँ इस एड्रेस से शुरू हो रही है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा बेस एड्रेस है 5, मेरी एड्रेस 5 से शुरू हो रहा है और उसके अंदर फिर ये जो लोकेशंस है वो मेरी इंडेक्सिंग होगी, कि भाई 0 इंडेक्स 4, आप कह ले 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स एंड सो ऑन। तो ये सारी मेरे क्या है, इंडेक्सिंग। तो मैं बोलूंगा कि बेस एड्रेस मेरा 5 था, उस 5 के अंदर अगर मुझे इस लोकेशन से वैल्यू उठानी है तो मैं क्या करूंगा कि 5 के अंदर 0 ऐड कर दूंगा तो वो इस लोकेशन से क्या करेगा, डाटा उठाएगा। तो बेसिकली ये जो 0 है या ये 1 जो 2 है, ये मेरा क्या बन जाता है, ऑफसेट बन जाता है। कि मैं बताता हूँ कि बेस तो मेरा 5 था, उसमें तुम्हें कितना ऐड करना है कि उसकी लोकेशन से तुम्हें डाटा उठाना है। अगर मुझे 2 लोकेशन से उठाना है तो मैं क्या करूंगा, 5 में ये ऑफसेट मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कि मैं जब बेस एड्रेस में 2+ करूंगा तो वो क्या करेगा, इस बेस एड्रेस के अंदर जाके इस 2 लोकेशन से जो डेटा होगा उसको वो उठा के मुझे अपने X8 में लोड करवा देगा। ठीक है, तो बेसिकली ऑफसेट हो गया कि आपको किस इंडेक्स से वैल्यू उठानी है, फॉर द इन सिंपल वर्ड्स।
और उसके बाद हम यहाँ पे उसको एक बेस एड्रेस देंगे। तो यकीनन ये बेस एड्रेस जो होगा किसी एक रजिस्टर में सेव होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 5 लिख दिया जो एक इमीडिएट नंबर है, लेकिन अभी हम इसको देख चुके हैं कि हमारा कोई भी नंबर किसी रजिस्टर के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता है, कोई ना कोई रजिस्टर। तो मैं सपोज करता हूँ कि मेरे X6 के रजिस्टर के अंदर मेरी ये 5 की वैल्यू क्या हुई हुई है, लोड हुई हुई है या स्टोर हुई है। यानी कि पहले मैंने X6 के अंदर 5 को स्टोर करवाया था या उसके अंदर एडिशन करवा के उसके अंदर X6 के अंदर 5 की वैल्यू सेव करवाई थी। अब उसके साथ मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिख दी कि भाई तुम X6 यानी कि 5 का जो बेस एड्रेस है उसमें जो तुम्हें ऑफसेट दे रहा हूँ वो ऑफसेट ऐड करो, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओ, उस लोकेशन से डेटा उठाओ और उसको तुम X8 में जाके क्या कर दो, सेव कर दो। ठीक है, अगर हम इसकी ऑफसेट अभी लिख लेते हैं कि मैं ऑफसेट इसको दे देता हूँ 4। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया X6। ठीक है, तो अगर इसकी अगर मैं न्यूमोनिक की बात करूँ तो ये आपका कीवर्ड हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा RD डेस्टिनेशन। ये वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इमीडिएट वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि जब हम आई टाइप से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको वहां पे ये क्लियर हो जाएगा कि हम इस ऑफसेट को इमीडिएट वैल्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक नंबर है ना, कॉन्स्टेंट ऑफसेट नंबर है। तो मैंने सिर्फ 4 दे दिया, मैं 20 दे सकता हूँ, 25 दे सकता हूँ, एक ऑफसेट होगा जो इमीडिएट नंबर होगी। और ये जो मेरा वो बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, RS1। ठीक है, अगर आपने अगर आई टाइप के, अब दोबारा थोड़ा रिव्यू करें तो आई टाइप के अंदर हमारे पास यही होता था। इसका अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दिखाऊं कि आई टाइप का जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था उसमें यही चीज बात थी कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास एक RD है जो डेस्टिनेशन है जो हमने बता दिया, उसके बाद एक RS1 होता है और एक इमीडिएट वैल्यू होती है, जिसके अंदर RS1 के अंदर आपको इमीडिएट वैल्यू ऐड करते हो तो आपके पास उसके आंसर जो भी आंसर बनता है वो आप डेस्टिनेशन में सेव करवाते हो। इसी तरह यहाँ पे जो काम, यहाँ पे जो बेसिकली वो बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है कि आप RS1 और 4 को जब ऐड करोगे तो उससे आपके पास जो आंसर जनरेट होगा वो एक मेमोरी का एड्रेस जनरेट होगा। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर मेमोरी के एड्रेस पे जाएंगे, वहां से आप डेटा उठाएंगे और उस डेटा को आप इस X8 के अंदर लाके, इसके अंदर लाके आप क्या कर देंगे, उसको लोड करवा देंगे। तो ये थोड़ा आई टाइप इमीडिएट टाइप के इंस्ट्रक्शन से थोड़ा डिफरेंट है कि आप यहाँ पे मेमोरी को, ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो आप बेसिकली एड्रेस की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अगर हम बाकी अगर इस इंस्ट्रक्शन की बात करूँ मैं, अगर आप एड आई करें तो आप दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे होते हैं और उसका आंसर जो होता है वो आप RD में सेव करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे लोड के इंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि आप जो एडिशन या कैलकुलेशन जो कर रहे होते हैं वो आप उससे एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, उस एड्रेस पे आप जाते हैं मेमोरी की, वहां से आप डेटा उठाते हैं और वहां से आप डेटा ला के इस X8 के अंदर आपके डेस्टिनेशन रजिस्टर में आप क्या करवाते हैं, सेव करवा देते हैं। राइट, तो अब हम इसको देखते हैं कि अगर मुझे इसका बेसिकली अगर मशीन कोड बनाना है तो इसका मशीन कोड किस तरह से बनेगा। अगर हम लोड टाइप के, अगर आप यहाँ पे देखें तो लोड टाइप के आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन गिवन है। राइट, तो अब हम इसी को यूज करेंगे हमारे उसके अंदर, क्या हम उससे हम मशीन कोड कैसे बनाते हैं। तो हमने अभी बेसिकली कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज की है, लोड वर्ड की यूज की हुई है। ठीक है, तो हम इस मशीन कोड को हम देखते हैं। इसमें बेसिकली आपके पास एक ऑप कोड है जो आपके पास यहाँ पे गिवन है कि एक यहाँ पे 50 और 11 है। तो इसका जब मशीन कोड बनाऊंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ठीक है 5011 मुझे लिखना है। तो मैं 1 2 3 50 और 11, ये आपका क्या हो गया, ऑपकोड हो गया। राइट, इस ऑपकोड के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि व्हाट इज यू हैव अ डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन क्या है, X8 है। तो जैसे हम ये पिछले वीडियो में देख चुके थे, 8 को मैं किस तरह लिखूंगा, बाइनरी फॉर्म में 5 बिट के ऊपर मुझे 8 लिखना है। तो दैट विल बिकम 0100। राइट, उसके बाद आपके पास कौन सी फील आ जाती है, देन यू हैव अ फंक्शन 3। फंक्शन 3 में इसकी वैल्यू क्या है, 010। तो आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि 01, सॉरी दैट्स माय, ठीक है यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, 010। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो फील आती है वो RS1 की फील आती है। तो मेरे पास RS1 क्या है, 6 है। तो यहाँ पे मैं 5 बिट पे क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा। तो 00110, ठीक है, दिस विल बी माई 6। उसके बाद मेरे पास आ जाता है 12 बिट का इमीजिएट। तो मुझे यहाँ पे 12 बिट का इमीजिएट लिखना है, तो मैं 4 12 बिट पे क्या लिखूंगा, 4 को रिप्रेजेंट करूंगा। तो वो कैसे होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 0 0। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, 12 बिट का इमीजिएट आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो दिस विल बिकम योर
32 बिट बाइनरी को, ठीक है। अगर आप इसका हम हेक्साडेसिमल बनाते हैं लाइक वी डिड इन प्रीवियस वीडियो, कि हम इसको चार चार के कॉम्बिनेशन में बनाएंगे तो दिस विल बिकम अ 3, ठीक है। इसका चार का कॉम्बिनेशन बनेगा, दिस विल बिकम अ 0, ठीक है। उसके बाद अगर इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो दिस विल बिकम अ 4, इसका आप चार का कॉम्बिनेशन बनाएंगे दिस विल बिकम अ 2, इनका चार का कॉम्बिनेशन विल बिकम 3, इनका चार का कॉम्बिनेशन विल बिकम 4 अगेन एंड 0 0। सो दिस इज द मशीन कोड ऑफ अ लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन, कि आप किस तरह से इसका मशीन कोड बनाते हैं, ठीक है। यकीन दोबारा रिपीट कर दूं कि आपके पास लोड वर्ड में सबसे पहले जो वेरिएबल आप डिस्क्लेयर करते हैं वो आपका डेस्टिनेशन होता है, उसके बाद आप एक उसको इमीडिएट या ऑफसेट की वैल्यू देते हैं, उसके बाद आप उसको एक बेस रजिस्टर का एड्रेस देते हैं कि भाई बेस एड्रेस उसको किस रजिस्टर से उठाना है, तो उसके अंदर फिर इनकी जो एडिशन होती है कि उस बेस एड्रेस में इस आपके ऑफसेट को वो ऐड करता है, जिससे आपके पास क्या कैलकुलेट होता है, मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट होता है, और वो मेमोरी एड्रेस पे जाके वहां पे जो भी डाटा होगा वो लाके वो आपको X8 में डाटा सेव करवा देता है। सो दिस इज हाउ अ लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन वर्क्स, और इसकी इस तरह से हम बाइनरी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन की, राइट। अच्छा, स्टोर वर्ड और लोड वर्ड की जो मशीन बाइनरी कोड है उसमें अगर मैं ज्यादा बात करूँ तो देर विल बी नो, इसमें कोई ज्यादा आपके पास वेरिएबल नहीं है। आई गेस ये सॉरी, आई गेस ये मेरा और आज ठीक है। तो स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन में आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या हो गया, वर्स यू राइट द स्टोर वर्ड, ठीक है। आपने इंस्ट्रक्शन का नाम लिखा, उसके बाद लोड वर्ड में हम सबसे पहले क्या लिखते थे, डेस्टिनेशन लिखते थे, लेकिन स्टोर वर्ड में वो डेस्टिनेशन ही होगा, क्यों, क्योंकि स्टोर वर्ड में हमने बात की थी कि आप रजिस्टर से मेमोरी में डाटा राइट करवाते हैं, तो आपको रजिस्टर कौन से रजिस्टर का डाटा स्टोर करवाना है आप उसका नंबर दोगे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे X9 के रजिस्टर के डाटा को क्या करवाना है, स्टोर करवाना है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो बाकी जो दो चीजें थी कि आपके पास एक ऑफसेट होता है और एक बेस एड्रेस होता है, वो एग्जैक्टली आपके पास उसका जो फॉर्मेट है वो सेम ही, कि यहाँ पे एक ऑफसेट आएगा और यहाँ पे एक RS1 आएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप लिखेंगे तो ये कैसे होगा कि स्टोर वर्ड, अच्छा ये जो है बेसिकली होगा ये मेरा RS2 बन जाता है, ठीक है, सोर्स रजिस्टर 2, तो यू विल बिकम अ स्टोर वर्ड ऑफ X9। अच्छा गिव मी अ मिनट, आई गेस ये ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अगेन, आई गेस ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना X9 लिख दिया, देन आई हैव टू गिव एन ऑफसेट, तो मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ 8 का, एंड देन वी विल राइट अ X, लेट्स से सपोज X6, ठीक है। आई विल मेक दैट 6 कॉमन, कि हम X6 को ही हम यूज कर रहे होंगे फॉर दिस पर्पस, ओके। तो अब इसका बेसिकली होगा क्या कि वो क्या करेगा कि आपके पास X6 के अंदर जो भी बेस एड्रेस होगा उसको वो रीड करेगा, उसके अंदर वो 8 को प्लस करेगा, उससे आपके एक एड्रेस कैलकुलेट हो, यहाँ पे दोबारा एड्रेस कैलकुलेट होगा मेरे पास, ठीक है। उस एड्रेस के अंदर जाके वो X9 के ऊपर जो भी डेटा होगा वो आपका क्या करवाएगा, आपका वो स्टोर करवा देगा, राइट। सो दिस इज हाउ द स्टोर इंस्ट्रक्शन वर्क्स। अगर हम इसके मशीन कोड की बात करते हैं कि इसके मशीन कोड बेसिकली होता क्या है, राइट, सो लेट्स सी व्हाट विल बी दिस मशीन कोड। तो आप यहाँ पे देखें तो आपके पास स्टोर इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टोर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कुछ इस तरह से। अच्छा, इसमें थोड़ा आपको एक डिफरेंस देखने की जरूरत है कि देखा ऑपकोड तो अपनी जगह पे एज इट इज है, फंक्शन 3 अपनी जगह पे सेम है, RS1 और RS2 आर इज ऑन इस लोकेशन, लेकिन यहाँ पे काम इन्होंने क्या किया कि इमीडिएट को इन्होंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। अब आई गेस कि आपको ये बाइनरी सिस्टम से नंबर सिस्टम को आपको रिप्रेजेंटेशन आती होगी कि यहाँ पे अगर 0 से 11 लिखा है, यानी कि ये पूरे 12 बिट का इमीडिएट है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उस इमीडिएट को इन्होंने आपको दो हिस्सों में बताया हुआ है कि भाई कौन सी बिट्स किस पोजिशन पे आपको लिखनी है। इट शोज के 0 से 4, तो आपको 0 से लेके 4 की जितनी भी बिट्स है, यानी कि जो स्टार्टिंग की 5 बिट्स होगी इमीजिएट की, वो आप यहाँ पे स्टोर करवाएंगे इस इंस्ट्रक्शन की फॉर्मेट के अंदर, और 5 से लेके जो 11 तक की इंस्ट्रक्शन की बिट्स होगी वो आप इस लोकेशन के अंदर इसको सेव करवा रहे होंगे, ठीक
ठीक है, अगर हम स्टोर वर्ड, हमने बेसिकली स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन लिखी है, तो लेट्स से कि हम इसकी अगर फॉर्मेटिंग देखें, तो सबसे पहले इसका हम क्या लिखेंगे, ऑपकोड। तो इसका ऑपकोड क्या है कि 0100011, राइट? सो लेट्स राइट दिस ऑपकोड। तो सबसे पहले ऑपकोड क्या होगा, 0100, ठीक है, 0100, उसके बाद क्या था, 011, राइट? सो दैट विल बिकम 011। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। के बेसिकली भी हम स्टोर इंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे, कि स्टोर इंस्ट्रक्शन की बेसिकली आपके पास क्या होता है, किस तरह का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम स्टोर वर्ड का इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको की वर्ड लिखना है कि आप कौन सी टाइप ऑफ स्टोर करवा रहे हैं, वो आप लिखते हैं। देन यू मैंशन द आर एस टू। मैं आर एस टू बेसिकली वो बताएगा कि किस डेटा को मुझे मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना है, किस रजिस्टर के डेटा को मुझे मेमोरी में स्टोर करवाना है। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ऑफसेट प्लस आर एस वन, इज सेम एज वी हैव डन इन आर एस वन इन लोड वर्ड, कि किस तरह आप आर एस वन के अंदर जो डेटा होगा उसके अंदर आप ऑफसेट को ऐड करके अपनी मेमोरी लोकेशन को आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ कि आपने स्टोर वर्ड करवाना है। मैं कह रहा हूँ कि X9 के अंदर जो भी रजिस्टर है वो मुझे स्टोर करवाना है इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, जो भी एक्सिस के अंदर वैल्यू होगी उसके अंदर 8 को आप ऐड करें, और उससे जो एड्रेस बनता है उस एड्रेस पे जाके X9 के अंदर जो डेटा है वो आप उसको स्टोर करवा दें, राइट? सो इसके अगर हम दोबारा इसके ऑपकोड की तरफ थोड़ा चलते हैं कि इसका मशीन कोड किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि इसके स्टोर वर्ड का आपको एक ऑपकोड लिखना पड़ेगा, जो है 010011, ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पे इसको हम लिखे तो किस तरह लिखेंगे, 01 000011, राइट? सो दिस इज बिकम योर ऑपकोड फॉर द स्टोर वर्ड। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा डिस्टेंस है कि हम नॉर्मल अभी तक जितना लिखते थे कि हम सबसे पहले अपनी डेस्टिनेशन रजिस्टर्स को हम क्या कर रहे होते थे, लिख रहे होते थे। लेकिन स्टोर में जैसे हमने बात की कि स्टोर में कोई डेस्टिनेशन रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि आप रजिस्टर में डेटा को सेव नहीं करवाते आप, बल्कि रजिस्टर से मेमोरी में डेटा को स्टोर करवाने के लिए आप इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। तो इसकी जगह उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भाई ओके, यू हैव टू राइट द 5 बिट्स ऑफ इमीजिएट हियर, ठीक है? तो अगर मैं इमीजिएट की बात करूँ तो यहाँ पे जो इमीजिएट वैल्यू है वो क्या है, 8 है। तो अगर मैं 8 को सबसे पहले कितने बिट्स में लिखूंगा, 12 बिट में लिखूंगा। तो 8 12 बिट का अगर मैं 8 लिखता हूँ तो ये 4 0, उसके बाद दोबारा ये 4 0, और उसके बाद 100 एंड 0, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू बिकम ऑफ 12 बिट 8। अब मुझे उसने क्या बोला है कि भाई मुझे, अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इस हर एक लोकेशन की, हर एक बिट की एक लोकेशन है, यानी कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 11 पे जाके एंड हो रहा है, राइट? तो इसके बीच में ये, यानी कि 0 1, इट इज 2, इट इज 3 एंड सो फोर्थ, इस तरह से आपके पास ये चलता रहेगा, राइट? तो दिस इज बेसिकली द 3 एंड देन 4 देन 5 एंड सो फोर्थ। तो उसने क्या बोला है कि आपके, अगर मैं ऑपकोड की दोबारा बात करें, तो ऑपकोड उसने बोला है कि आप इमीडिएट की 0 से लेके 4 तक की जो बिट्स हैं उसको आप सबसे पहले यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। तो अगर मैं 0 से 4 तक की बिट करूँ तो वो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी, 0 से 4 तक की अगर आप बिट को एग्जामिन करें तो वो ये वाली बिट्स है 0 से लेके 4। तो यू हैव टू राइट दीज बिट्स फर्स्ट हियर इन फर्स्ट लाइन। तो इसको हम लिख देंगे कि 01, ठीक है, 1 2 3 0, ठीक है? हमने इसको क्या किया कि हमने इमीडिएट को, इसने इट हैज दे हैव ब्रोकन द इमीडिएट इन टू टू पार्ट्स, के हाफ ऑफ द बिट्स एक अलग जगह रखी है और हाफ ऑफ द बिट्स इन्होंने अलग जगह रखी है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि 0 से लेके 4 तक की जो बिट्स है वो आप सबसे पहले यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, या मशीन के अंदर आप उसको इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में आप उसको लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि फंक्शन 3 जो हमारे पास गिवन है 010, सो वी विल राइट 010, राइट? उसके बाद आपके पास आता है आर एस वन। तो आर एस वन, आई नो कि आर एस वन मेरे पास क्या है, 6 है, तो मैं 6 को लिखूंगा कितने बिट्स के ऊपर, 5 बिट के ऊपर। तो दैट विल बिकम 0010, राइट? उसके बाद मेरे पास आती है आर एस टू की वैल्यू। तो मेरे पास आर एस टू के यहाँ पे क्या है, इट इज X9। तो मैं यहाँ पे 5 बिट पे क्या लिखूंगा, 9 बिट्स को लिखूंगा। तो 0101, ठीक है? ये मैंने 9 लिख लिया 6। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डैम, कि उन्होंने बोला कि भाई आपको आखिर भी एक इमीजिएट लिखना है, जो उसकी इमीजिएट की बिट्स कहाँ से शुरू होंगी, 5 से लेके 11 तक। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 से लेके 11 तक की जितनी हमारे पास इमीजिएट की बिट्स थी वो हमें यहाँ पे स्टोर करवानी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 5 से 11, 5 to 11 कितनी बिट्स हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे यहाँ पे 7 बिट्स लिखनी होगी जो मेरी इमीजिएट की बिट्स रिमेनिंग है। तो अभी तो बाई डिफॉल्ट ये 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 1 2
5, 6. ठीक है, 7 जीरोस हम इसको यहाँ पे स्टोर करवा देंगे. ओके, तो लेट्स से अगर हम इसका बाइनरी बनाते तो अगेन वी हैव टू मेक अ 3. तो अगर इसको आप 3 को कंबाइन करेंगे तो इट विल बिकम अ 3. इन 4 को मिलाएंगे तो इट विल बिकम अ 2. ठीक है, इन 4 का पेयर इट विल बिकम 4. इन 4 का पेयर बनाएंगे तो बिकम विल 2. दोबारा इन 4 का पेयर बनाएंगे तो इट विल बिकम 3. ठीक है, इन 4 का पेयर बनाएंगे तो इट विल बिकम 9. एंड फिर इन 4 का पेयर बनेगा तो 0 एंड अगेन 0. सो दिस इज हाउ यू डिजाइन अ मशीन कोड फॉर अ स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन. ठीक है, यानी कि ये स्टोर वर्ड का मशीन कोड इस तरह जनरेट होता है. अभी तक हम जो इमीजिएट लिखते थे हम पूरा इमीजिएट एक साथ लिख देते थे, हमें उसकी हमें सच को जरूरत होती नहीं थी. बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम इस इमीजिएट को भी दो हिस्सों में तोड़ देंगे. उसकी जो इनिशियल स्टार्टिंग की जो 5 बिट है वो आपकी अलग लोकेशन पे जाके सेव हो रही होगी इंस्ट्रक्शन के, और बाकी की जो बिट्स हैं वो आप कहीं और जाके इसको आप स्टोर करवा रहे होंगे. तो बेसिकली इसमें हमें एक काम अक्सर में नजर आता है कि जब हम अपने प्रोसेसर डिजाइन कर रहे होंगे या हार्डवेयर बना रहे होंगे तो अगर हमें स्टोर की इंस्ट्रक्शन आती है तो फर्स्ट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस 12 बिट्स. ठीक है, अभी क्योंकि हमने इसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया है तो सबसे पहले तो हमें इस 12 बिट को पहले बनाना पड़ेगा जब हम अपने प्रोसेसर डिजाइन कर रहे होंगे. ठीक है, तो दैट विल बी कवर इन द फ्यूचर वीडियोज, तो उसको फिर हम मजीद डिटेल में देखेंगे. सो दिस इज हाउ यू मेक अ स्टोर इंस्ट्रक्शन, राइट. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर थर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कि हमारी दैट विल बिकम दैट इज अ ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन, राइट. तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बेसिकली ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो हम यूज कर मोस्टली हम इसको यूज कर रहे हो तो दैट इज यूज फॉर द कंडीशन एग्जाम्पल्स. ठीक है, कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं. अगर आप ब्रांच की अगर हम इंस्ट्रक्शंस देखें तो हमारे पास ब्रांच की कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है. ओके, तो अगर आप इसको देखें तो वो क्या कह रहा है कि ब्रांच इक्वल, अगर आपके पास इक्वेलिटी की आप कंडीशन चेक कर रहे हैं तो यू हैव अ इक्वेलिटी कंडीशन. आप उससे क्या करें, ब्रांच के ऊपर आप जंप कर सकते हैं. देन विल बिकम अ नॉट इक्वल, कि अगर भाई नॉट इक्वल है तो अगर आप नॉट इक्वल की कंडीशन कर रहे हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन है. उसके बाद लेस देन की अगर कंडीशन चेक कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रेटर इक्वल की कंडीशन आप चेक कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती है. अच्छा, अभी इसकी मैं डिटेल्स में हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे. हम सिर्फ यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा बता दूं कि ब्रांच बेसिकली होगा क्या कि आप इफ एंड एल्स की कंडीशन जब आप यूज करते हैं तो उसमें आप एक कंडीशन चेक करते हैं कि अगर इफ मेरा ए बराबर है बी के तो दैट विल बिकम वो आपको इफ की कंडीशन आप चेक करें तो वो आप किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रांच इक्वल्स है. अगर आप ये कंडीशन लिखते हैं कि इफ ब्रांच ए इज नॉट इक्वल्स टू बी तो उसके लिए आप कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, बी एन ई की आप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. अगर आप लेस देन की बात करें कि भाई मुझे चेक करना है इफ ए इज लेस देन बी तो आप किसके इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, बी एल टी के आप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे होते हैं. अच्छा, इन इंस्ट्रक्शन के अंदर एक चीज अब देखे जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, इमीजिएट इंस्ट्रक्शन. एक इमीजिएट है, एक इमीजिएट वैल्यू होगी जो यकीनन होगी, लेकिन उसकी आप ब्रेकमन देखें तो उसको उसने मजीद कुछ और हिस्सों में तोड़ा हुआ है. ठीक है, स्टोर के अंदर तो बड़ा सिंपल था कि आपने 0 से 4 पहले इमीजिएट सेव कर दी, फिर आपने 5 से 11 इमीजिएट की वैल्यू को अपने बिट्स को स्टोर कर दिया. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि ब्रांच की सबसे पहले उन्होंने बोला कि फर्स्ट बिट जो होगी वो आपकी 11 वाली बिट आएगी. ठीक है, 11 बिट को आप स्टोर करेंगे, उसके बाद आप 1 to 4 की जो बिट्स होगी उसको आप यहाँ पे स्टोर कर रहे होंगे. देन 5 से 10 तक की बिट्स आपके पास यहाँ पे आएंगी, देन यू विल बिकम अ यू हैव अ 12 बिट. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम से मशीन कोड की बात करते हैं कि मैं यहाँ पे एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ कि बी ई क्यू. ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई x8 और x9 को आपको कन्फिगर करना है या समझना है, और उसको आपको बेसिकली ये एक वैल्यू में अभी फिलहाल लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे एक आप लेबल लिख रहे होते. ठीक है, लेबल यानी कि आपको किस फंक्शन के ऊपर आपको जंप करना है जब हम इसकी असेंबली लिख रहे होते हैं. तो अभी हम फॉर जैसे एक ऑफ द सिंपलिसिटी मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया है कि भाई आपके पास अगर इक्वल है, आप चेक करो कि क्या x8 और x9 के अंदर जो डेटा है वो अगर इक्वल है, अगर इक्वल है तो आप 8 पे जंप कर जाओ. ठीक है, 8 बेसिकली इसमें यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू की बात हो रही है ये बेसिकली हमारे पीसी काउंटर की बात हो रही है. वो पीसी काउंटर क्या होता है उसको मजीद हम आगे की वीडियोज में थोड़ा देख रहे हो. तो अभी हम इसको सिर्फ कंसिडर करते हैं दैट इज बिकम अ 8. ठीक है, अब इस 8 की मैं बात करूं तो ये 8 बेसिकली यकीनन एक इमीडिएट होगा. तो मुझे ये इमीडिएट कितने बिट्स पे रिप्रेजेंट करना है, 12 बिट पे. तो वो 12 बिट का इमीडिएट होगा किस तरह से, अगर आप लिखे तो 0
जीरो 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 वन जीरो जीरो एंड जीरो। ठीक है, तो ये आप 8 बिट को, 8 को आप इस तरह से 12 बिट पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे हिसाब से हमने अभी दोबारा देखा था कि इसकी हर एक बिट की पोजीशन है। ठीक है, ये जीरो पोजीशन होगी, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये टेन और ये 11। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि इसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में इसने बोला हुआ है कि आप 1 से लेंगे और 12 तक जाएंगे। ठीक है, तो यकीनन मुझे इसके अंदर एक मजीद बिट ऐड करनी पड़ेगी जो कि एक बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो बिट होगी वो मेरी 12, यानी कि ये जो इमीडिएट में अगर 8 को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इमीडिएट मेरा 12 बिट का नहीं होगा, बल्कि ये कितने बिट्स का हो जाएगा अगर आप 0 से 12 काउंट करेंगे तो ये इमीडिएट मेरा 13 बिट्स का होगा। लेकिन हम इसमें से यूज सिर्फ 12 बिट ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आप, उसने आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्म में बताया कि आपको 1 से स्टार्ट करना है 12 तक, तो आप देखिए कि इसने 0 इंडेक्स की कहीं भी बात नहीं की हुई। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में देखेंगे तो इस इमीडिएट के अंदर आपको यहाँ पे भी 0 नजर नहीं आ रहा और यहाँ पे भी आपको वो 0 नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम इस ब्रांच की इंस्ट्रक्शन को ऑपकोड लिखने की कोशिश करें तो आप कैसे लिखेंगे कि 11000011 सबसे पहले ऑपकोड है तो वो हम लिख लेते हैं। आपके आपके पास ऑपकोड क्या आ जाएगा, 11000011, राइट? ये हमारे पास इसका ऑपकोड आ गया। उसके बाद इसने बोला हुआ है कि आपको सबसे पहले इमीडिएट की 11वीं बिट लिखनी है। ठीक है, 11वें इंडेक्स पे जो बिट है या जो भी नंबर है वो आपको इमीडिएट का लिखना है। तो इमीडिएट की 11वीं बिट के ऊपर हमारे पास क्या नंबर है, अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो 11वीं बिट के ऊपर मेरे पास 0 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। ठीक है, यानी कि 11वीं बिट पे जो भी नंबर होगा, हो सकता है यहाँ पे 1 भी होता, तो आप सबसे पहले 11वीं बिट का क्या लिखते हैं नंबर, यहाँ पे बेस्ट बाइनरी नंबर आप लिख लेते। उसके बाद इसने बोला है कि आपको 1 से लेके 4 तक की जो बिट्स हैं आपको वो मेंशन यहाँ पे करनी है। तो अगर मैं 1 से 4 की मेंशन की बात करूँ तो 1 से लेके 4 तक की मेरी बिट्स क्या है, वो ये है। ठीक है, 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको अब ये 4 बिट्स आपको क्या करनी है, यहाँ पे स्टोर करनी है। तो आप कैसे लिखेंगे, 0100। ठीक है, अच्छा ये देख लें कि सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सी बिट लिखी थी, 11वीं बिट लिखी। उसके बाद हमने 1 2 3 4 की जो बिट थी वो हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो 0 है वो इस 0 से रिलाई नहीं करता, ये वाला 0 नहीं होगा कहीं पे भी। ठीक है, तो सबसे पहले 11वीं बिट का 0 वैल्यू आ रही है, अगर हो सकती है 1 भी हो सकती थी। उसके बाद ये 5 बिट आपके पास 1 2 3 4 की जो बिट्स नंबर है वो आपके पास यहाँ पे स्टोर हुई है। उसके बाद वो कहता है कि यू हैव अ फंक्शन 3। फंक्शन 3 आपके पास क्या है, 000, फिर RS1 और RS2। तो अगर फंक्शन 3 की हम बात करें तो फंक्शन 3 मेरे पास था 000, दैट विल बिकम 000। ठीक है, उसके बाद मुझे RS1 लिखना है, तो मेरे पास RS1 की वैल्यू क्या है, 8। तो 5 बिट पे आपको 8 लिखना है। फिर RS2 की वैल्यू मेरी क्या है, 9, तो वो आपको 9 लिखना है। ठीक है, 5 बिट पे 0100 1। ठीक है, मैं दोबारा अपना वो पॉइंटर चेंज हम कर ले रहे हैं ताकि हम इजीली विजिबल हो कि हम आगे क्या करें। ठीक है, उसके बाद उसकी इमीडिएट की वैल्यू आती है, तो देन अगेन वो कहता है कि भाई आप इमीडिएट की सबसे पहले यहाँ पे क्या वैल्यू लिखो, 5 से 10 बिट। ठीक है, 5 से लेके जितनी भी 10 बिट है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो 5 से अगर 10 बिट की बात करूँ तो यकीनन आप, वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक की जो बिट्स है वो अब आपको पहले स्टोर करवाने, तो दिस विल बिकम अ 6 बिट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 6 जीरोस। ठीक है, अभी 0s है तो 0s है, अगर आपके पास कोई और यहाँ पे नंबर होता तो आप उसकी वो वैल्यूज लिख रहे होते हैं, 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 बिट्स लिख ली। उसके बाद वो कहता है कि यू हैव टू मेंशन अ 12 बिट ऑफ द इमीजिएट वैल्यू। ठीक है, तो 12 बिट हमारे पास क्या है, दैट विल ऑल्सो, जो 12 बिट है वो हमारे पास है अगेन 0। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, 0। तो दिस इज हाउ यू स्प्लिट योर ब्रांच इमीजिएट, ब्रांच के अंदर जो हम इमीजिएट वैल्यू लिखते हैं उसको हम इस तरह से स्प्लिट अप करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर। कि सबसे पहले हम 11वीं बिट लिखते हैं, उसके बाद हम 1 से 4 तक की बिट लिखते हैं, फर्स्ट इमीजिएट का हिस्सा। उसके बाद हम 5 to 10 तक की इमीजिएट की बिट जो भी होती हैं वो लिखते हैं। उसके बाद हम 12 वाली इमीजिएट का बिट लिख रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में, इट विल बिकम अ 3। ठीक है, वो तो आपका सिंपल सेम ही रहेगा जिस तरह हम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद दिस विल बिकम योर 6, दिस विल बिकम योर 4। ठीक है, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम अगेन 4,
दिस विल बिकम 9, ठीक है, ये आपके पास 0, तो डबल 0. सो दिस इज हाउ अ मशीन कोड ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन हैव बीन फॉर्म. ठीक है, इसको सिर्फ करवाने की वजह ये थी कि आपको इमीडिएट को किस तरह से तोड़ के लिखना होता है वो आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए. ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह बाकी जैसे हमने आर टाइप और आई टाइप की वैसे ही होती है कि आपको यहीं से टेबल से लेके चीजें फिट करनी होती है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं कि आप इमीडिएट नॉर्मल आई टाइप में तो आप इमीडिएट पूरा एक साथ लिख देते थे. स्टोर में उसने क्या किया, उसने उसको दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है कि पहले 5 बिट अलग आएंगी, फिर बाकी की जो बिट्स होंगी वो आप अलग लोकेशन पे सेव कर रहे होंगे. लेकिन जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है तो उसको उसने मजीद और डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों के हिसाब से तोड़ा हुआ कि सबसे पहले आप उसकी 11 वाली जो बिट होगी वो लिखेंगे, फिर 1 से 4, देन यू हैव टू राइट 5 to 10, देन अ 12 बिट. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हम जो अपनी जब प्रोसेसर डिजाइन कर रहे होंगे तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इससे जो इमीडिएट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो हमारे इंस्ट्रक्शन में से, जब हम इमीडिएट निकाल रहे हो तो हम इसी फॉर्मेट को याद रखते हुए हम अपने इंस्ट्रक्शन में से इमीडिएट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, वो मजीद हम आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसको कर सकते हैं. सो आई विल प्रिफर कि आप बाकी की इसमें जो लोड की इंस्ट्रक्शंस हैं या स्टोर की इंस्ट्रक्शंस हैं और ब्रांच की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके मजीद आप दूसरी इंस्ट्रक्शंस लिख के थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी मच इजियर और ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.